हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल। भारत और श्रीलंका के बीच 3 T20 मैचों की श्रृंखला, जिसका पहला मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया था और भारत ने इस मुकाबले में श्रीलंका को 38 रनों से हरा दिया है। जी हाँ, पहले T20 मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 38 रनों से हरा दिया है। श्रीलंका ने टॉस जीता था, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और एक वक्त ऐसा लगा भारतीय टीम ने जब 20 ओवर में 164 रन लगाए थे बोर्ड पर 5 विकेट के नुकसान पर, उस समय ऐसा लगा था कि कहीं ना कहीं 15-20 रन शॉर्ट रह गए भारतीय टीम के स्कोर कार्ड में। जो स्कोर बोर्ड है उसमें 15-20 रनों का जो फासला है वो कम रह गया, ऐसा लग ही रहा था। लेकिन भाई, बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की टीम, 165 रन बनाने थे श्रीलंका को जीत के लिए। और उस दौरान जब भारतीय गेंदबाजों ने जिस तरह से वापसी की, जिस तरह से कमबैक किया, जिस तरह से श्रीलंका को जो है आगे बढ़ने ही नहीं दिया, जिस तरह से श्रीलंका को बांध के रखा, और कृणाल पांडे ने इस दौरान पहला विकेट जब दिलाया भारतीय टीम को, और उसी दौरान तब से उम्मीद जगने लगी, जीत की सुगंध आने लगी थी भारतीय टीम को। लेकिन फिर अंत बीच में थोड़े से अच्छे शॉट्स खेलने लगे श्रीलंका के बल्लेबाज, और फिर भाई यूजी चहल ने भी अपनी कमाल की फिरकी के जाल में श्रीलंका को फंसाया। मतलब 4 ओवर में यूजी चहल ने 19 रन दिए और 1 विकेट चटकाया। फिर वरुण चक्रवर्ती को भी सफलता मिली, दीपक चहर को 2 विकेट मिली और भुवनेश्वर कुमार, इनकी क्या ही बात है भाई, इनकी तो बात अलग ही है। भुवनेश्वर कुमार ने 3.3 ओवर में 22 रन दिए और 4 विकेट भी अपने नाम किए और श्रीलंका की पूरी टीम को धराशायी कर दिया और 38 रनों का फासला जो है वो कम रह गया श्रीलंका के बल्लेबाजी में। तो हार्दिक पांड्या को भी हालांकि 1 विकेट मिला था, तो 2 ओवर हार्दिक पांड्या ने किए, 2 ओवर कृणाल पांड्या ने किए, 2 ओवर में 16 रन दिए थे कृणाल पांड्या ने और 1 विकेट अपने नाम किया था। दीपक चहर ने भी शानदार गेंदबाजी की और 3 ओवर में 24 रन दिए और दो विकेट उन्होंने भी अपने नाम किए। लेकिन श्रीलंका को जिस तरीके से हरा दिया है, 38 रनों से पीछे रह गए श्रीलंका इस 164 की स्कोर से। 18.3 ओवर में 126 रन पर सिमट गई श्रीलंका की पारी 18.3 ओवर के ही अंदर अंदर। तो भाई, पहला मुकाबला तो भारत ने अपने नाम कर लिया है, अब दूसरा मुकाबला 27 जुलाई को खेला जाना है और इस दौरान भी भारतीय टीम चाहेगी कि दूसरा मुकाबला भी अपने नाम करके सीरीज़ को जो है 2-0 से सीरीज़ में बढ़त ले ले भारतीय टीम, यही हम चाहेंगे और भारतीय टीम भी चाहेंगी। तो अब देखना होगा किस तरीके की जो भारतीय टीम की रणनीति होती है दूसरे T20 मुकाबले में। वरुण चक्रवर्ती ने हालांकि डेब्यू किया, डेब्यू में पहला विकेट उन्होंने अपने नाम किया लेकिन थोड़े से महंगे साबित रहे। तो देखना होगा अब दूसरे मुकाबले में किस तरीके की रणनीति होती है भारतीय टीम की। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए अपने दोस्तों तक। लाइक कीजिए हमारे वीडियो को। सिंगल वेव टच पॉज रिकॉर्डिंग बटन।